वृषभ राशि, आपके सप्तम भाव से गुरु गोचर करेंगे और सप्तम भाव में गुरु गोचर करने के कारण आपके शादी के योग बन जाएंगे। अगर आप इस साल शादी करना चाहें जब तक गुरु धन में नहीं जाते उसके पहले, मैंने आपको बताया कि मार्च अप्रैल में गुरु धन में भी जाएंगे, तो उससे पहले अगर आपके शादी के योग बनते हैं तो आपकी वर वधु का मिलान अच्छा हो जाएगा और आपकी शादी के आसार मुझे नजर आते हैं। इसके साथ जो आपका सप्तम भाव है, जहाँ पर वो ऑलरेडी जो विवाहित लोग हैं उनको अपने विवाहित संबंधों में पायस होकर और पवित्रता लाकर ज्यादा पूजा पाठ करके अपने संबंधों को कायम रखना होगा, वैसे भी वहां पर फायदा ही देगा गुरु आकर। और ये जो पंचम दृष्टि इसकी लाभ पर पड़ रही है वो आपको लाभ देगा कोई अच्छे कार्य से, जो पैसा टिकेगा लंबा आपके पास में, कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो वो सुलट जाएगा, आपके बड़े भाई बहनों से आपकी पटेगी। और जो नवम दृष्टि से आपके लग्न को देखता है तो एक बात याद रखिए, जब गुरु की नवम स्ट्रांग वाली दृष्टि पड़ती है शुक्र के घर पे तो मोटा हो जाता है इंसान। आपको शक्कर आदि का सेवन कम करना है, डायबिटीज ना हो इसका ध्यान रखना है, शुगर का सेवन कम करेंगे ज्यादा, गरिष्ठ चीजें तली वली कम खाएंगे तो आप मोटे नहीं होंगे। वैसे सभी कहेंगे कि आप बहुत पायस हो रहे हो, इतने दिन आप बहुत पूजा पाठ में लगे हो, आप बहुत ज्यादा सात्विक हो रहे हो, तो वो अच्छी बात है, और आप पैसा कमाने में लगोगे वो ज्यादा अच्छी बात होगी।